गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। हर एक स्टूडेंट चाहे वह देश का किसी स्टेट का ही क्यों स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है कि मैं अपने जिले का, राज्य का या पूरे कंट्री का टॉपर बनूं। ये हर एक स्टूडेंट की तमन्ना होती है, बट सबके साथ ये नहीं हो पाता। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉपर बन पाते हैं। तो टॉपर ऐसे क्या अलग करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट से, आज वही जानने वाले हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर में फर्क क्या है, अगर आप जान लोगे तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि एक दिन आप भी एग्जाम में टॉप करोगे और नंबर भी तगड़ा लाओगे। साथियों, आपको पता है अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं यहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट को लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को रखता हूं, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, और यहां पे एक टॉपर स्टूडेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है आज मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। कोई भी नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर, लेकिन मैं एक तगड़ा तरीका लेके आया हूं, ठीक है। देखिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, पहली बात तो इसके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इसके पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जबकि ये टॉपर स्टूडेंट के बाद इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा टाइम टेबल है पढ़ने का, पहली बात, ठीक है। और नॉर्मल स्टूडेंट को अपने सिलेबस का बारे में भी नहीं पता होता है, इसका सिलेबस क्या है, बस ये पढ़ते जाता है, इसको ये नहीं पता है कि मेरा सिलेबस क्या है, इसको कुछ नहीं पता इसके बारे, बस हां पढ़ते जा रहा। बट ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने से पहले ही अपने सिलेबस को क्लियर करते हैं, क्या इनको पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ाई स्टार्ट कर, पहले ये सिलेबस क्लियर करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद पढ़ने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत फर्क लाती है स्टडी में, टाइम टेबल का ना होना, सिलेबस ना पता होना, इसीलिए नॉर्मल स्टूडेंट है, इसीलिए टॉपर स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा वीडियो में, आपको मैं, आप जो बनना चाहो बन जाओ, नॉर्मल बनना चाहते हो नॉर्मल, टॉपर बनना चाहते हो टॉपर, ये आपकी मर्जी। बट गाइज ये बताओ, कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो पहले उसके बारे में जानो तो यार, कि क्या है कैसे है। हमें फिजिक्स पढ़ना है तो कुछ पता ही नहीं फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर है, कितने महीनों में उसे खत्म करना है, ये सब तो पता होना चाहिए। मैथ पढ़ना पता ही नहीं है कितना सिलेबस है उसमें, केमिस्ट्री पढ़ना है मुझे पता ही नहीं सिलेबस क्या है, बट ये इसको पता होता है कि नहीं नहीं मेरा जनवरी चल रहा है, मुझे ये चैप्टर पढ़ लिया, अच्छा अच्छा मार्च आ गया, मुझे ये चैप्टर पढ़ना, इसको बकायदा हर एक चीज पता रहता है सिलेबस। अब देखो थर्ड टाइप में, थर्ड में आपको क्या होता है, ये इसके फ्रेंड सर्किल बड़ा हेल्प करता है। आपने देखा होगा जो टॉप करते हैं ना, उसके फ्रेंड्स किस टाइप के होते हैं, इसके फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमेशा घूमने की बात करेंगे, जो हमेशा क्रिकेट खेलने की बात करेंगे, जो हमेशा पबजी खेलने की बात करेंगे, BGMI खेलने की बात करेंगे, जो हमेशा किताबों से दूर रखने की बात करेंगे। और इसके फ्रेंड्स को देखना, इसके फ्रेंड्स जो होते हैं हमेशा पढ़ाई की बात करेंगे, अरे यार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अरे यार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमेशा इसकी बात करेंगे। तो डिफरेंस देखो ना, खुद देखो, इसके बहुत कम दोस्त होते हैं, अभी आपको मैं यही पे आज क्लियर करता हूं, बहुत लेश फ्रेंड की बात करते हैं, बहुत लेश फ्रेंड होंगे, फ्यू फ्रेंड होंगे, इसके ज्यादा फ्रेंड होते हैं, ज्यादा फ्रेंड, मोर फ्रेंड कह सकते हैं इसको, मोर फ्रेंड, इसके मोर फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके देखोगे, इसके देखोगे तो इसके बहुत ज्यादा फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड नहीं, मतलब ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ही थोड़ा सा फ्रेंड होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम फ्रेंड, इक्का दुक्का किसी से घर जाएगा बात करेगा अपने दोस्त से, बस इतना ही, ज्यादा फ्रेंड नहीं होते इसके। यही कारण इससे टाइम बचते हैं और ये प्रॉपरली ध्यान देता, और ये रेगुलर नहीं पढ़ेगा, ये 5 दिन पढ़ेगा फिर 2 हफ्ता गायब, नानी के यहाँ चला गया, मामा के यहाँ घूम रहा है, मौसी के यहाँ रिश्तेदारी में घूम रहा है, ये मतलब क्या होता है, इस रेगुलर नहीं पढ़ाई करता है, रेगुलर स्टडी जो होता है ये नहीं करता है। जबकि ये जो टॉपर है ना, ये रेगुलर पढ़ता है, थोड़ा ही पढ़ेगा बट रेगुलर पढ़ेगा, रेगुलर स्टडी करता है, क्या करता है, रेगुलर स्टडी करता है, ओके। तो
ये चीजें, ये एक डिफरेंस है जो पैदा करता है, ये डिफरेंस ही बताता है कि कौन टॉपर बनेगा कौन नहीं। ये अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ये जो है डेली अपना क्या करता है, डेली डेली नोट्स रेडी करता है। डेली नोट्स रेडी करेगा नॉर्मल वर्क? कभी नहीं। ये हफ्ते में एक बार नोट्स बनाना शुरू करेगा, एक के बार इकट्ठे बनाएगा। जबकि जो टॉपर हमारा है ये डेली नोट्स को रेडी करेगा, क्या करेगा, डेली नोट्स बनाएगा, डेली नोट्स बनाएगा, डेली नोट्स रेडी करेगा। ये होते हैं रिवीजन पे ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट में रहेगा, नहीं नहीं मैं तो पढ़ ले आऊं मुझे सब याद है। ये रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं, ये रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं। जबकि जो टॉपर होते हैं रिवीजन पे विश्वास करते हैं और रिवीजन से ही टॉप करते हैं। ये होते हैं असली टॉपर, ये होते हैं असली टॉपर। इनका एकदम रूटीन फिक्स होता है, इनका कोई रूटीन नहीं होता है, जब मर्जी कुछ पढ़ लेंगे, इनका कोई रूटीन नहीं है। जबकि इनके पास एक प्रॉपर रूटीन होता है, एक प्रॉपर रूटीन होता है मेरे दोस्त, ये प्रॉपर रूटीन होता है। ये कभी इनको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मतलब ही नहीं रखते, देयर इज नो नीड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इनके अंदर नहीं होता है। ये कभी ना कभी एक ऐसे टीचर से जुड़े रहते हैं, कभी ना कभी एक ऐसे टीचर से जुड़े रहते हैं जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। अब मोटिवेटेड होने के साथ साथ ही इनकी पढ़ाई तगड़ी चलती है। क्या आप में ये क्वालिटी है? अगर नहीं है तो आज ही इस टाइप की चीजों को ऐसे टाइप में चेंज करना सीखो। मुझे पता है एक दिन में नहीं हो सकता ये काम, एक दिन का नहीं है ये काम, रेगुलर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि आपके लिए बहुत टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। कर सकते हो, हौसला चाहिए। बुलंदियों पे जाना है तो सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। एकाएक छलांग मारने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे, कहीं पैर टूट जाएगा, कोई ना कोई हड्डी छटक जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो ये सारी चीजें अगर आपको फिर भी लग रहा कि आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो हमारे पास उसके लिए सबसे बेटर उपाय है। एक हम टॉपर बनने के लिए एक बैच लाए हैं जिसका नाम है टॉपर बैच, जिसका नाम है टॉपर बैच। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये ऑल सब्जेक्ट हम आपको रेगुलरली स्टडी करवाएंगे। ये इनकी सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्या होगी, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे आप स्टडी करोगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स दे देंगे आपको, जो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। 200 मॉडल पेपर आपको देंगे फ्री में सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर विद द सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ देंगे, ठीक है। 200 मॉडल पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे कि पेपर कैसे आते, पूरा प्रॉपरली चीजें, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे हमेशा, ये क्वालिटीज आ जाएंगी। पर्सनल गाइडेंस से क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे हमसे। साथियों, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी जिसको हम प्राइज टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में भाग लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे पावर पता चलती है आपका, कितना तैयार है, कितना छूट गया, कितना नहीं पढ़ पाया, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। तो साथियों, आने वाले समय आपका है कि नहीं ये आज ही डिसाइड होगा, ये कल नहीं डिसाइड होगा, आज ही डिसाइड करो, ठीक है। कल का सोचोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। कल करे सो आज करे, कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज ही करो, कल करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें टॉपर बैच में आपको मिल जाएंगी, मतलब आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, ये वीडियो जो लाइव चलेंगे जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। इसकी जो फीस, आप कहीं भी किसी संस्था में पढ़ने जाओगे, कम से कम 1499 रुपया पूरे साल का लगेगा, वन ईयर का लगेगा 1499। बट हमारे यहां मेरे दोस्त, मात्र 299 में
वन ईयर फीस है, वन ईयर की फीस है 299 रुपए। कितने रुपए? 299। रुको रुको, कैसे जुड़ेंगे सर, मुझे तुरंत बताइए। जिन स्टूडेंट्स को जुड़ना है टॉपर बैच में, नंबर लिख लो 83 18 42 15 83। इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देना, आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर टॉपर बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर नाम दिखाएगा विकास चौरसिया, इसी पे आप भेज दीजिएगा। इसी पे आप कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक और नंबर है 9140611189, इस पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको मौका है, दस्तूर है, अभी ही ज्वाइन करो। ये जो ऑफर है मात्र हमने स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को दिया है। जैसे हमारे 100 स्टूडेंट्स पूरे हो जाते हैं, ये ऑफर फिर से 299 जगह 1499 हो जाए। इसमें एक ईयर है, पूरे साल, एक सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट है, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, पूरे सब्जेक्ट पूरे साल लाइव क्लासेस, जितनी चीजें मैंने बताई है ये सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी फोन उठाओ, कॉल करो, व्हाट्सएप करो फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया कीजिए, और ये सभी क्लासेस पाने के लिए, नोटिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या तुम इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हो।